कितने 21। क्या बात कर रहा है, 21 बार हुआ है सर आप। मुझे तो लगता है आज आप सिल्वर जुबली मनाओगे। बेटा अगर यही हाल चलता रहा तो गोल्डन जुबली होने में भी देर नहीं है। हाँ सर, आपने कहा उनकी खीर खराब कर दो, लेकिन उन्होंने तो आपकी हालत ही खराब कर दी है। सही बात है, बहुत बड़ा धोखा हो गया। पहले बेवकूफ बनाकर एडमिशन लिया और उसके बाद खीर खिला के फकीर बना दिया। रे पड़े कुछ कर पड़े। सर लाल चड्डी लेके आऊं? हाँ लाल चड्डी। लाल चड्डी क्यों? अरे सर लाल सिग्नल से तो बड़ी बड़ी गाड़ियां रुक जाती है, ये क्या? अरे बेटा इस गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है, कोई गाड़ी नहीं रुकेगी अब। 22। अरे सर दरवाजा तो ठीक से बंद कर लेते। अरे यार बंटू, ये तो अपनी सारी पोल खुल गई यार, इस बार तो बच गए, ये कमी ना अगली बार हमें नहीं छोड़ेगा। अरे अगली बार आने से पहले इसका ऐसा बंदोबस्त करते कि साले का परमानेंट मुंह बंद हो जाए। वो कैसे यार? देखते रहे, तुम देखते रहे। Yes? Are you Mr. Gill, the manager? Yes, I am. Mr. Gill, मुझे बचा लो। किससे? बर्बाद होने से। Oh, all right, please. Mr. Gill, मैं अपने घर से भागी थी अपने बॉयफ्रेंड के नाल। अच्छा। उसने मुझे हथेली पर चांद तारे दिखाए थे। लेकिन यहाँ आकर मजे लूट कर वो 9-11 हो गया। होटल ने बिल दे पैसे भी नहीं दिए। वहाँ से तो मैं किसी तरह निकल कर आई। लेकिन अब तक तो घर लौटने के पैसे है और न रात बिताने का आसरा। अरे रे 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 रे। हाँ रे 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 रे। मिस गिल, मैं आपके पास बड़ी आस लेकर आई हूँ। मैंने सुना है कि आपका दिल दरिया है और मुझे जैसी सारी भटकी हुई नदियों को आप अपने दरिया दिल में समा लेते हो। मिस गिल, एक ही रात का सवाल है, कल तो मैं अपना कुछ ना कुछ कर लूंगी। नहीं नहीं नहीं, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। अब तो जो करना है वो मुझे को करना है और तुम एक रात क्या जितनी चाहे रातें मेरे कमरे में बिता सकती हो, नो प्रॉब्लम। मिस्टर गिल्ली, एक बार फिर से दोहराओ, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं आ रहा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मेरी शरण में आई हुई कोई लड़की बेसहारा नहीं हो सकती। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना कमरा। चले चले, आ जा अंदर। अरे सुनो, मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। नाड़ा ढिल्ल। नाड़ा ढिल्ल? नादिया डागर सिंह ढिल्ल, नाड़ा ढिल्ल। बाबा आपको बचपन से ही मालूम था क्या? बड़ा अच्छा नाम है नाड़ा ढिल्ल। मेरा नाम गिल्ल। मिस्टर गिल्ल, वैसे तो आप बहुत शरीफ आदमी है, लेकिन कमरे में कहीं अंदर आपकी बीवी तो नहीं है ना? अरे मेरी बीवी कहाँ से आएगी, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। अच्छा, और नौकर चाकर? नौकर चाकर इस हिस्से में आते ही नहीं है जब तक मैं उन्हें बुलाऊ नहीं। ओए माँ, मुझे तो डर लगता है, मुझे अकेले में देखकर कहीं आप मेरी इज्जत पर हाथ तो नहीं डालोगे? नहीं, क्या बात कर रही हो, तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं तुम पर कैसे हाथ डाल सकता हूँ? क्यों नहीं, कितनी गर्मी है, ऐसे कहकर अगर आप दरवाजे कोई कुंडी लगा दो। ये एसी ऑन कर दो। अच्छा एसी तो ऑन ही है। यहाँ कुर्सी पर सामान रखकर मुझे बिस्तर पर बिठाओ। आओ ना। कोई माँ, लगता है लेफ्ट साइड आपकी फेवरेट है। बैठो एक मिनट। और फिर यहाँ जो फोन पड़ा है ना, उसे हल्के से यूं ऐसे हटा दो और अपना कोट उतार कर अपनी टाई ढीली कर दो, लामक कर दो। थैंक यू। फीलिंग बेटर? मच बेटर। फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे कहो, मुझे कॉपरेट करोगे तो मैं डर के मारे नाके से बोलूंगी। सुनो, मुझसे कॉपरेट करोगी? इतना अच्छा गाती हो, इधर आओ। अरे इधर आओ ना, एक बार गाना मुझे सुना दो। गिर गई। देखो सुनो, मेरे ऊपर आना मत। नहीं क्या कर रहे हो? चंटू तुम, नमस्ते सर। आपको कहाँ देखा था सर, और कहाँ पाया? झूठ बोल रही है ये, झूठ बोल रही है, मैंने इसको आसरा दिया है। सर आपकी ये बात कौन मानेगा सर, अभी ये चीखेगी, अभी ये चिल्लाएगी सर। आओ, आओ, बचाओ, 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 बचाओ।
समझ गया। बहुत कमीनी है, कुछ पैसे हैं? हाँ, निकाल निकाल आए हैं। एक मिनट, अरे गिनने का टाइम नहीं है सर, देखिए कितना चिल्ला रही। दीजिए आप, ये क्या कर रहे हो सारे, कैसे ये ले रख। अब तो अपना मुंह बंद रखेगी ना? नहीं, इससे तो सिर्फ जबान बंद होगी, मुंह तो खुला ही रहेगा। बहुत बड़ा मुंह है कमीनी का। सर ये चेन, चेन भी दे दीजिए। क्यों बहुत चिल्लाएगी, बहुत कमीनी। अरे घड़ी सर, दे गाड़ी ना, दे दीजिए। मैं की फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी सर बचाऊंगा। अरे बाप, पाल के लाओ। ये ले, अब चुप रहे, अगर आप बोला ना तो गला घोट दूंगा तेरा। ओके ओके ओके, तो निकलो, होप यू गो टू हेल, बाय बाय। ओए चली पंजाब की कुड़ी। ये क्या किया चंटू, मेरा सब कुछ उतार के उसे दे दिया। कैसी बात कर रहे सर आप, अगर ये बात इस कमरे के बाहर चली जाती तो स्टूडेंट आपको खुजली वाला कुत्ता समझकर थूथू कर देते। नहीं नहीं सर, मैं तो कहता हूँ मैनेजमेंट आपको लात मार के यहाँ से निकाल देती। ऐसा क्या? हाँ सर हाँ। थैंक यू चंटू, तूने बहुत बड़े धर्म संकट से मुझे निकाला। आपको अंदाजा नहीं है सर, मुझे ब्लैक मिलरों से कितनी नफरत है। आप जाइए, जाकर ठंडे पानी से नहा लीजिए सर, प्लीज प्लीज। हाँ ओके, हाँ ना लेता हूँ मैं, थैंक यू। ड्यूटी करके अपनी हालत खराब हो जाती है। नहीं यार, थक जा, फिर से वही सुना पड़ाना। और अब तो हॉस्टल जाके नहाने का वक्त भी नहीं है, क्योंकि वो बिग की क्लास शुरू हो जाएगी और अगर हम लोग लेट पहुंचे तो उसे फिर से बहाना मिल जाएगा। हाँ यार, लेकिन आखिर करें तो क्या करें यार। यार ये कमरा मुझे खाली लग रहा है, तो एक काम करता हूँ, मैं अंदर जाके नहा लेता हूँ, तब तक तू यहाँ बाहर खड़ा रहे, फिर तू नहा लेना और मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। क्या हुआ, कहाँ लगी? यहाँ यहाँ यहाँ, शायद शायद घुटनों में लगी होगी। तो फिर कहाँ लगी?